गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो क्लास 3 to 8 है ना। ऑल स्टूडेंट मस्ट बी रेडी है। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। इन लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द प्रोनाउन। सो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन गिवेन हियर, आई प्रिपेयर्ड अ टेबल। हियर हियर रिटन पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव, ओके, एंड देयर इज ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये देखो, ही शी इट आई वी एंड यू एंड दे, दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस, ओके। एंड गिवेन हियर पॉसेसिव प्रोनाउन, इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। हिज हर्स माइन आवर्स योर्स देयर्स एंड अधिकार वाचक विशेषण पॉसेसिव एडजेक्टिव। इधर देखो, हिज हर इट्स माई आवर योर डियर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट हिम हर, ठीक है, मी अस यू एंड देम, इट भी होता है, ठीक है। बेटा यहाँ से एग्जाम्पल है, जैसे ही लाइक देम, वह उन, यहाँ पर लाइक्स हो जाएगा, ही लाइक्स देम, वह उन लोगों को पसंद करता है। ये ऑब्जेक्ट बेटा किसका ऑब्जेक्ट है देखा, ओके। यहाँ पर ही कैन हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट है किसका ऑब्जेक्ट है तो वी का है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पॉसेसिव प्रोनाउन, मैं बता दूँ अधिकार वाचक सर्वनाम, इसमें बेटा अधिकार दिखाता है, सामान किसका है, किस पर प्रभाव इसका पड़ता है, जैसे दिस पेन इज माइन, ठीक है, यह कलम मेरी है, तो यहाँ पर किससे आपको पता चल रहा है कलम किसकी है, तो माइन से, ठीक है। दिज काउज आर योर्स है ना, ये गाय किसकी है, तुम्हारी है। तो इस प्रकार से यह जो हो जाएगा, इस प्रकार से जो शब्द आए, मतलब माइन आए, योर आए, योर्स आए, आवर्स आए, देयर्स आए, सब क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इसमें देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। और मैं बता दूँ कि इसका, जैसे कि ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ हो जाएगा, आई का माई सेल्फ, यू का आवर सेल्फ एंड आवर सेल्फ आल्सो, ठीक ना, ये होता है। तो इसका मैं लिस्ट अभी भेज दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखो, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ, हाँ। यहाँ पर है दे डू द वर्क देम सेल्फ, वे अपना काम स्वयं करते हैं। यहाँ पर देखो इम्फेटिव प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दोनों सेम होते हैं, बस इसमें क्या होता है कि इसमें जो बातें बोली जाती है वो बिल्कुल संकल्प दृढ़ निश्चय के साथ बोली जाती है, ठीक है। जैसे द क्वीन हर्सेल्फ अटेंड द पार्टी, क्वीन स्वयं खुद पार्टी को अटेंड की थी या पार्टी में गई थी, ठीक है। ही हिमसेल्फ हर्टेड इन द फॉरेस्ट, वह खुद ही जंगल में चोट लगा लिया, लेकिन इसमें जो बात होगी वो दृढ़ निश्चय के साथ बिल्कुल इम्फेटाइज होगा, इम्फेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये टेबल प्रिपेयर कर लेना, इसके बारे में समझ लेना, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिव प्रोनाउन, और सबके फाइव फाइव सेंटेंस सबके रिटेन करके अभी सेंड करो होमवर्क, ठीक है बेटा, ओके।